दोस्तों आज हम देखने वाले हैं इंडियन विस्की के जाने माने ब्रांड रॉयल स्टैग को आखिर बनाया कैसे जाता है। 1995 में एस्टेब्लिश हुए इस इंडियन ब्रांड के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट इंडिया में सिर्फ चार जगह ही हैं, दमन, कोलकाता, मुंबई और गुड़गांव। रॉयल स्टैग विस्की को बनाने के लिए यूज किया जाता है हाई क्वालिटी का गेहूं और मक्का, जिन्हें खेतों से डायरेक्टली हार्वेस्ट करके फैक्ट्री में लाया जाता है। और दोस्तों यहीं से शुरू हो जाता है रॉयल स्टैग के बनने का पहला स्टेप। यहां गेहूं और मक्के को करीब 12 घंटे तक स्टराइल वाटर में छोड़ दिया जाता है। करीब 12 घंटे ड्रेन कर लेने के बाद नए पानी में और 14 घंटे के लिए इसे रखना पड़ता है। अब आती है बारी इस गीले अनाज को सुखाने की, तो कुछ ऐसे इन्हें कुछ दिनों के लिए बंद कमरे में सूखने के लिए छोड़ दिया जाता है। करीब 6 दिन बीत जाने के बाद अनाज को माल्टिंग प्रोसेस के लिए आगे भेजना होता है। इस माल्टिंग यूनिट में लगाई जाती है धुएं वाली आग और इस धुएं को भेजा जाता है ग्रेन्स के कंटेनर में, ताकि वो अनाज इस धुएं को सोख ले, ताकि विस्की में एक अनोखा स्मोकी फ्लेवर आ पाए। अब 2 दिन बाद चैम्बर को खोल के अनाज की क्वालिटी चेक करने के लिए सैंपल लिया जाता है। सैंपल पास होने पर इस सारे अनाज को कन्वेयर से भेजा जाता है ग्राइंडर मशीन में पिसने के लिए। पिसाई जब कंप्लीट हो जाए तो अगला स्टेप होता है इसे सड़ाने का, इसे फर्मेंटेट करने का। इस कंटेनर में रखे अनाज में मिलाया जाता है यीस्ट का पानी, जो बैक्टीरियल एक्शन को तेज कर देता है। करीब 2 दिन फर्मेंटेट हो जाने के बाद बनता है एक बहुत ही तेज गंध वाला एल्कोहलिक स्प्रिट, जिसे इस यूनिट में लगे इन नलों से बाहर निकाला जाता है। दोस्तों वैसे तो रॉयल स्टैग एक स्कॉच विस्की है। स्कॉच से ये मतलब होता है कि जिन विस्की को मिनिमम 3 साल तक स्टोर करने के बाद मार्केट में भेजा गया हो, उन्हें ही स्कॉच विस्की कहते हैं। सिंपल विस्की को स्टोर ना करके सीधे ही उसे बिकने के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन रॉयल स्टैग को 3 साल स्टोर करने के बाद ही पैकिंग के लिए भेजा जाता है। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो जरूर अच्छा लगा होगा। और भी ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और अगर आपको ये प्रोसेस पहले से ही पता था तो कमेंट करके जरूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में।